हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट जो PT 365 का अपडेटेड मटेरियल है उसका। तो इसको बनाने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने एक टेलीग्राम, हमारी टीम है एक टेलीग्राम चैनल चलाती है जिसका नाम है एस्पिरेंट्स, नाम से ही वो टेलीग्राम चैनल है। तो जिनको भी अगर कोई नोट्स चाहिए होंगे या जो भी चाहिए होगा वो उस टेलीग्राम में भेजा जाता है उस चैनल में, और कुछ कुछ जो स्निपेट्स होते हैं मतलब एक फ़ोटो टाइप का भेजा जाता है आपको पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो डेली 18 to 20 टॉपिक्स डलते हैं तो उससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप उसको जाके एक बार उसको जाके एक बार चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ सो आप, आई होप आप ज्वाइन करेंगे। तो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी में जो पहला टॉपिक है वो है नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, तो आपको पता होगा कन्वेंशन रियो डे जेनेरो में जो कन्वेंशन हुए थे उसमें से 3 कन्वेंशंस जो थे उसके आउटकम थे UNFCCC, UNCBD एंड UNCDD। ठीक है, तो दीज आर द 3 कन्वेंशन जो कि साइन हुए थे। उसमें से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो था वो सेकेंड कन्वेंशन था जो आया था, और उसी के अंदर जो है 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं। पहला है कार्टिजीना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो लेट अस नो अबाउट CBD। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कौन कौन से सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं। तो पहला है कार्टिजीना प्रोटोकॉल एंड बायोसेफ्टी। उसका एम क्या है कि जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हैंडल सेफ करना, उनको ट्रांसपोर्टेशन, उनका यूज़ जो है उनको सेफली यूज़ करना। तो ये जब अडॉप्ट कब हुआ था, 29 जनवरी 2000 में अडॉप्ट हुआ था, और एंटर हुआ था फोर्स में कब आया था, 11 सितंबर 2003 में। फिर उसी के अंदर जो एग्रीमेंट है कार्टिजीना प्रोटोकॉल के अंदर ही एक एग्रीमेंट है नागोया कोला लामपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। तो आप याद रखिएगा, इससे आप मिक्स मत कर दिएगा कि नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग और नागोया कोला लामपुर। तो ये क्या है, नागोया कोला लामपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कार्टिजीना प्रोटोकॉल का ही जो चीज़ें हैं उनको रिड्रेस करता है। जो भी हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं और जो भी हमारी कंट्रीज़ के लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको ये इंटरनेशनल रूल्स वगैरह बनाते हैं। तो ये कब आया था, 5 मार्च 2018 में। और दूसरा जो कन्वेंशन है UNCBD के अंदर वो है नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, तो नाउ लेट्स कम टू व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील जो है अभी 130th कंट्री है जो कि रेटिफाई किया है नागोया प्रोटोकॉल को। तो नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग होता क्या है, ये अडॉप्ट हुआ था 29 अक्टूबर 2010 में नागोया में जापान में, जो कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किसका है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये कब आया था, 2014 में आया था जब 90 डे हो गए थे, 15th जो मेंबर था वो उसने रेटिफिकेशन दे दिया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हो उसका जो है इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल रही है और किसी को कम मिल रही है, तो वो जो है उसका जो शेयरिंग है वो इक्विटेबल होना चाहिए। जो बेनिफिट है उसको इक्विटेबल पार्ट में बांटा जाएगा, और जो कि किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, यूटिलाइजेशन का यहाँ मतलब होता है रिसर्च और डेवलपमेंट करना आपको जेनेटिक और बायोकेमिकल कंपोजिशन में। ठीक है, एज वेल एज उसका कमर्शियलाइजेशन प्रोवाइड करना और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है वो भी। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो जेनेटिक रिसोर्सेज पे तो अप्लाई होता है, एज वेल एज ट्रेडिशनल जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, उन पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा बहुत सारे ट्राइब्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रहते हैं, तो उनका जो भी जेनेटिक नॉलेज होगा, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, वो सबके लिए बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है नागोया प्रोटोकॉल के अंदर कवर्ड है। नाउ ये जो प्रोटोकॉल है वो 3 ऑब्लिगेशन पे बेस्ड है। पहला है एक्सेस ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली आप किसी चीज़, कोई चीज़ बना रहे हो तो सबसे पहले आपको एक्सेस करवाना पड़ेगा कि वो लोगों तक उपलब्ध हो पाए। फिर बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन, कि मतलब बेनिफिट शेयरिंग मतलब सबको इक्वल पार्ट में मिल रही है, और कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन कि सबको ही देना दे रहे हो। ठीक है, टूल्स एंड मैकेनिज्म जो यूज़ करते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन दिस, तो इसमें क्या है, एक नेशनल फोकल पॉइंट को इस्टेब्लिश करना है और नेशनल कम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना है, जो कि क्या करेगी, इंफॉर्मेशन बताएगी, एक्सेस ग्रांट करेगी, कोऑपरेट करेगी पार्टीज़ के साथ। फिर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का क्लियरिंग हाउस बनाया जाएगा जो कि वेब
बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होगा जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नागोया प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी टारगेट किया जाएगा फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग और ना, ठीक है। और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है, आपको पता होगा 5 ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसिलिटी फंड प्रोवाइड करती है, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इसके लिए, और अवेयरनेस रेजिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ABS कैसे होता है। जैसे किसी ने जेनेटिक रिसोर्सेज बनाया, उससे ट्रेडिशनल नॉलेज, तो लेट्स से प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर क्या बताएगा, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ग्रांट करेगा प्रोवाइडर किसको, यूज़र को, कि आप भी यूज़ कर सकते हो। फिर दोनों जो है प्रोवाइडर और यूज़र यहाँ पे डायग्राम में बना है, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में वो क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज है हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी डेवलप किया है उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे, ठीक है, जो भी उससे एसोसिएटेड बेनिफिट होंगे उससे। दिस इज़ कॉल्ड नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग UNCBD के अंदर आता है, अभी ब्राज़ील ने रेटिफाई किया है करंटली। ये किसका एम क्या है, फेयर और इक्विटेबल रिसोर्सेज जो भी बेनिफिट अराइज हो रहे हैं जेनेटिक रिसोर्सेज से उनको करना है, ठीक है। ये कमर्शलाइजेशन को भी टारगेट करता है, इवन ट्रेडिशनल नॉलेज को भी, ठीक है। और ये डिफरेंट है नागोया कोलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल से, जो कि सिर्फ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है, और नागोया प्रोटोकॉल जो है एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग के लिए है, ठीक है। टूल्स और इंप्लीमेंटेशन कौन से होते हैं, नेशनल फोकल पॉइंट एंड कंप्लीट नेशनल अथॉरिटी, ठीक है। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस, सो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2001 to 2016, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिलीज़ किया है, ठीक है, मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 to 2026। तो लेट्स कम टू अबाउट मरीन एक्शन प्लान। तो पहले मरीन एक्शन प्लान के बारे में जान लेते हैं। इसका एम क्या है कि जो भी हमारे मरीन टर्टल्स हैं, जो भी ओशंस में जो भी टर्टल्स रहते हैं और उनके जो हैबिटेट रहता है, उनको एक हेल्थी मरीन इकोसिस्टम प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था जब हमने पॉल्यूशन पढ़ा था, कि मरीन लिटर जो क्रिएट हो रहा है जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है कि स्पीशीज ख़त्म हो रही है, तो उन सबको मरीन टर्टल को कंजर्व करना, उन पर ना इफेक्ट हो ज़्यादा, जो भी मरीन इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है उसके कारण। तो इसका एम यही है कि मैं उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना। गोल क्या है कि कंजर्व स्पीशीज और उनके हैबिटेट को कंजर्व करना, और उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिड्यूस करना, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करना मरीन टर्टल्स और उनके हैबिटेट के बारे में, अवेयरनेस प्रमोट करना थ्रू एजुकेशन, ठीक है, और लाइवलीहुड जो है कोस्टल हमारी कम्युनिटीज है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए लाइवलीहुड बनाना, ठीक है, सस्टेनेबल इको टूरिज्म से, और नेशनल रीजनल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मरीन टर्टल में कंजर्व करने के लिए बनाना, ठीक है। फिर आते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट ऑफ द इंडियन ओशियन एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये क्या है, ये एक MOU है जो कि इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है। ये लॉन्च कब हुआ था, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान आया था तभी, 2021 से 2026 के लिए है, याद रखिएगा कितने साल के लिए, 2021 से 2026 के लिए। एम क्या है इसका, इसको हमारी जो मरीन टर्टल पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना, उसको रिकवर करना बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन करना गवर्नमेंट के बीच, ऑर्गेनाइजेशन के बीच और कॉमन जो हमारे पीपल है उनके बीच। 6 स्पीशीज जो है मरीन टर्टल की वो कवर्ड है इस MOU के अंदर, तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी 6 स्पीसीज है मरीन टर्टल की जो इसके अंदर कवर है। तो पहली है लॉगर हेड, दूसरी है ऑलिव रेडेड टर्टल, ठीक है, ग्रीन और हॉक्सबिल एंड लेदर बैक एंड फ्लैट बैक, ठीक है। तो दीज आर द 5-6 स्पीसीज जो इसके अंदर कवर्ड है। तो लेट अस रिवाइज, लॉगर हेड, लेदर बैक तो आपको कन्फर्म हो जाएगा, फिर ऑलिव रेडेड टर्टल भी आपको पता होंगी, फिर ग्रीन आता है, फिर हॉक्सबिल आता है एंड फ्लैट बैक आता है, ठीक है। तो दीज आर द 6 स्पीशीज जो सारी स्पीशीज जो है वो माइग्रेट और कहाँ करती है, इंडियन ओशियन रीजन और साउथ ईस्ट एशिया में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो किस किस पे अप्लाई होता है, जो भी हमारे वाटर्स हैं और जो भी हमारे कोस्टल स्टेट हैं इंडियन ओशियन में और साउथ ईस्ट एशिया में और एडजेसेंट सीज, जहाँ तक कहाँ तक टोरस सी स्ट्रेट तक, ये सब MOU एक्सटेंड होता है और ये 44 रेंजेस स्टेट्स में आता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमारा
एरिया है वो चार एरिया में डिवाइड किया गया है, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट आते हैं, फिर नॉर्थ इंडियन ओशन आता है, नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन आता है और वेस्टर्न इंडियन ओशन आता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन की गई है। नाउ कम टू मरीन टर्टल्स इन इंडिया, तो 5 जो हैं 7 स्पीशीज़ है मरीन टर्टल की, सी टर्टल की, उसमें से 5 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे इंडिया में मिलती हैं, जो हमारे इंडियन कोस्टल वाटर्स और आइलैंड में रहती हैं। जो 5 स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, तो ऑलिव रेडेड टर्टल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तो आपको पता ही होगा, दूसरी है लेदर बैग एंड लॉगर हेड, और तीसरी है ग्रीन एंड हॉक्सबिल। दीज आर द 5 स्पीशीज जो मिलती है। जो स्पीशीज़ नहीं मिलती वो कौन सी है, फ्लैट बैग है, ठीक है। तो इंडिया जो है होम है लार्जेस्ट ऑलिव रेडेड टर्टल का, ठीक है। नेस्टिंग पॉपुलेशन जो है ऑलिव रेडेड टर्टल की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मिलती है। ऑलिव रेडेड टर्टल जो है एक मास नेस्टिंग उनका एक मूवमेंट होता है जिसको वो अरीबरा कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फीमेल्स जो है एक साथ आते हैं और उस सेम बीच में वो एग देते हैं, तो उनको उस चीज़ को बोलते हैं। और गहिर माथा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोकरी है ऑफ ऑलिव रेडेड टर्टल, ठीक है। वहीं पर सबसे ज़्यादा ऑलिव रेडेड टर्टल पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोकरी ऑफ ऑलिव रेडेड टर्टल। लेदर बैग जो है वो लार्जेस्ट है सारे 7 सी टर्टल से, और सारे ये जो लेदर बैग है वो हर जगह फाउंड होते हैं एक्सेप्ट आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ठीक है। विद इन इंडियन ओशन वो कहाँ रहते हैं, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ यहीं पर मिलते हैं, एक्सेप्ट लॉगर हेड टर्टल। लॉगर हेड टर्टल को अगर छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग 4 जो हैं वो सिर्फ इंडियन कोस्ट लाइन में मिलते हैं और आइलैंड्स ऑफ इंडिया में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है मरीन टर्टल की, ऑब्वियसली फ्लैगशिप स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, सच एज कोरल रीफ्स, ये सब इनको इन सबको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिहेवियर और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड्स, प्रे, स्पीशीज एंड प्रेडेटर्स। इकोलॉजिकल रोल्स कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, वेजिटेशन को कंट्रोल करते हैं, और ये इनके प्रेजेंस ये दिखाता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम है, वो हेल्दी और हमारे टूरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो मेजर्स भी देख लेते हैं, मेजर्स क्या, पहले थ्रेट्स देख लेते हैं। तो थ्रेट्स में आते हैं ऑनशोर थ्रेट्स क्या होते हैं, ऑफशोर थ्रेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला थ्रेट है लॉस ऑफ नेस्टिंग बीच, ऑब्वियसली जब इरोजन हो रहा है, ठीक है, शिफ्टिंग सैंड हो रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो और एंथ्रोपोजेनिक कॉसेस जैसे कि प्लांटेशन और सैंड माइनिंग की वजह से जो नेस्टिंग बीच है सी टर्टल का, वो धीरे धीरे वो कहीं और मूव करने लगते हैं, ठीक है, तो वो चेंज होता है। फिर कोस्टल डेवलपमेंट के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है नेस्टिंग बीचेस, वो लॉस होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स और इन सब के कारण। लाइट पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जो भी हमारे मरीन डेब्रिस है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स और फिश के कारण, उनका जो रिजॉर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है, ठीक है। जो हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो भी हमारे जो वहाँ पे मरीन टर्टल्स हैं वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करके बीच एरियाज में, तो मरीन टर्टल्स को थ्रेट प्रोवाइड करती हैं। नेस्ट प्रिडेशन जैसे कि वाइल्ड प्रिडेटर्स लाइक जैकेट्स हो गए, वाइल्ड पिग्स हो गए एक्सेट्रा, एज वेल एज फेरल एंड डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हो गए, वो भी उनको थ्रेट प्रोवाइड करते हैं। फिर ऑफशोर थ्रेट देख लेते हैं, तो ऑफशोर थ्रेट में आता है फिशिंग रिलेटेड मोर्टैलिटी, जैसे कि जो गियर होते हैं फिशिंग गियर्स वो हमारे वहीं पर रह जाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन जैसे कि ऑयल स्पिल्स हो गए, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया, जो कि मूवमेंट है वेजल्स में उनका डिस्टर्बेंस के कारण ऑयल स्पिल्स हो गए, तो उसके कारण भी पोल्यूशन जैसे कि स्पिल्स डिस्चार्ज फ्रॉम कोस्टल इंडस्ट्रीज और कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन। तो दीज आर ऑनशोर एंड ऑफशोर जो सी टर्टल्स हमारे यहाँ फेस करते हैं। नाउ लेट्स कम टू मेजर्स क्या क्या अडॉप्ट किए गए हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो 5 स्पीशीज़ जो हैं वो शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है, मतलब उनको हाइएस्ट प्रोटेक्शन मिली है। शेड्यूल 1 में जो भी स्पीशीज़ रहती है उनको हाइएस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मरीन टर्टल्स को 1 ऑफ द 22 स्पीशीज में जोड़ा है, जो कि कंजर्वेशन प्रोग्राम है, स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। इंडिया जो है आइडेंटिफाई किया गया है ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट सी टर्टल्स हैं उनको इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज ऑफ इंडिया, जो कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द IUCN स्टेटस। IUCN स्टेटस क्या क्या है, तो ऑलिव रेडेड टर्टल का वर्ल्ड लेबल है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है
तो वल्नरेबल हैं। ग्रीन जो है वो एंडेंजर्ड है, हॉक्सबिल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेदर बैक एंड लॉगर हेड जो है वो भी वल्नरेबल है। तो तीन स्पीसीज हमारे यहाँ वल्नरेबल हैं, ऑलिव रेडेड टर्टल, लेदर बैक एंड लॉगर हेड, दीज आर द थ्री जो वल्नरेबल है। हॉक्सबिल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड ग्रीन जो है एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो दीज आर द, नाउ लेट्स कम टू ये कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट है इंडिया में। तो ऑलिव रेडेड टर्टल जो है वो उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये हर जगह पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बीचेस जो हैं उनके नाम हैं, एक बार आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर लेदर बैग जो है अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। हॉक्सबिल जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड में पाई जाती है, और ग्रीन जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पाई जाती है। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी रिलीज़ किया है मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस, ठीक है। मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस जो है ये किसने रिलीज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको किसने रिलीज़ किया वो पता होना चाहिए। इसका ये क्या करती है, एस्टिमेट करती है कि 9,000 to 10,000 जो हैं हमारे जो मरीन मैमल्स हैं वो धीरे धीरे बायकॉट किए जा रहे हैं इंडिया से, क्योंकि ड्यू टू मैकेनाइज्ड वेजल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिपेंडेंट जो गवर्नमेंट हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना कि जो भी मरीन मेगाफोना स्ट्रैंडिंग हो रही है, रिसर्च और मैनेजमेंट इश्यूज हो रहे हैं, उन सबको रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। गाइडलाइंस जो है वो क्या करेगी, जो भी मेगाफोना स्ट्रैंडेड मरीन मैमल्स हैं उनको मैनेज करेगी ऑनशोर एंड एंट्रैप्ड इन शैलो वाटरवेज, जो कि शैलो वाटरवेज में एंट्रैप्ड है, ठीक है, जो कि सी पे नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, उन सबको उन सबके लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और उनको मैनेज करेगी। तो दीज आर द गाइडलाइंस, दीज आर द ऑलिव रेडेड टर्टल एंड वॉट आर द मरीन शी टर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी जो है गाइडलाइन इशू की है। नाउ लेट्स कम टू अफ्रीकन एलिफेंट्स, ठीक है। तो IUCN ने कैटेगराइज किया है कि अभी सवाना जो एलिफेंट हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे, और जो फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं वो किस में आएंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे, ठीक है। तो मोर ऑन न्यूज़ में देख लेते हैं कि दो स्पीशीज़ हैं, सब स्पीशीज़ हैं अफ्रीकन एलिफेंट की। पहली है जो वो कौन सी है, सवाना एलिफेंट है, दूसरी जो है वो फॉरेस्ट एलिफेंट है। तो बोथ स्पीशीज़ जो हैं अभी थ्रेट फेस कर रही हैं, किससे, कि इवरी वगैरह पोचिंग की जा रही है, ठीक है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके कारण। तो फॉरेस्ट जो एलिफेंट है वो हमारा किस एरिया में रहता है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है सेंट्रल अफ्रीका का वहाँ पे रहते हैं, और हैबिटेट कहाँ करते हैं, वेस्ट अफ्रीका। और सवाना जो एलिफेंट है वो कहाँ पे, सब सहारन रीजन में फाउंड होते हैं अफ्रीका में, इंक्लूडिंग ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। अफ्रीकन जो एलिफेंट है वो हमारे लार्जेस्ट लैंड एनिमल है ऑन द अर्थ, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, अफ्रीकन एलिफेंट जो है लार्जेस्ट लैंड एलिफेंट है ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तो अफ्रीकन एनिमल की बात हो गई। नाउ लेट्स कम टू एशियन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट जो होते हैं वो इंडिया में फाउंड मिलते हैं, और इंडिया जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है। उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट से। हमारे जो एशियन एलिफेंट होते हैं उनकी जो मेल पॉपुलेशन होती है उन्हीं बस में टीथ होते हैं, वाइल जो हमारे अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वहाँ पे मेल और फीमेल हो उन सब में टीथ होते हैं, ठीक है, उनके टीथ होते हैं। एशियन एलिफेंट में तीन सब स्पीशीज मिलती हैं, इंडिया, श्रीलंका में और सुमात्रा में, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन एलिफेंट, ओल्डेस्ट फीमेल इन एन एलिफेंट हर्ड इज ऑलवेज लीडर, ठीक है। तो फीमेल जो है ऑलवेज लीडर होती है, और फीमेल एलिफेंट जो है वो ज़्यादा जीती हैं, 60 to 70 years, ठीक है। एलिफेंट का जो है लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है ऑफ ऑल मैमल्स, अप टू 22 months, ठीक है। तो याद रखिए, अप टू 22 months तक जिंदा रहते हैं। फिर आते हैं फॉरेस्ट, इनके कुछ IUCN स्टेटस देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट एलिफेंट जो होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो अभी पहले वल्नरेबल थे, अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अभी देखा हमने IUCN ने बोल दिया सवाना एलिफेंट जो है एंडेंजर्ड है, एंड आशियान एलिफेंट जो है वो भी एंडेंजर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड अफ्रीकन एलिफेंट। नाउ लेट्स कम टू इंडियन राइनो विजन 2020। तो इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ऑफिशली ये क्लोज किया जा रहा है, बिकॉज जो टू राइनोज पॉपुलेशन है वो मानस नेशनल पार्क में भेज दिए गए हैं फ्रॉम पोवितोरा नेशनल पार्क से, ठीक है। दोनों कहाँ पे हैं, आसाम में। तो इंडिया राइनो विजन 2020 जो है ये 8th राउंड है राइनो विजन का, ट्रांसलोकेशन का, ठीक है। ये डेजिग्नेट किसने की डिज़ाइन किसने किया था, बाई राइनो टास्क फोर्स 2005। इनका टारगेट क्या था कि जो राइनो पॉपुलेशन है उसको 3000 तक बढ़ाना बाई 2020 इन 7 प्रोटेक्टेड एरियाज आसाम में। जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं आसाम में उनमें जो है 3000 तक हमको राइनो पॉपुलेशन को बढ़ाना, ठीक है।
तो इसमें जो है कौन से 7 एरियाज हैं आप वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पहला है काजीरंगा, फिर पोबितोरा और ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिब्रू शिखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दीज आर द 7 जो है आसाम के अंदर ही आती हैं, ठीक है। इनका एम क्या था कि हमको राइनो पॉपुलेशन को जो है उनके जो थ्रेट्स हो रहे हैं उनके रिस्क को रिड्यूस करना फ्रॉम पोचर्स जो अप्रोच कर रहे हैं पॉपुलेशन के कारण जो, ठीक है, पॉपुलेशन के कारण जो भी इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना। ये क्या है, जॉइंट प्रोग्राम किसका है, आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, ठीक है। ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट किसकी हेल्प से किया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड WWF इंडिया, IRF, WTI, RN, ठीक है, वाइल्ड लाइफ NGO जो है वो गुवाहाटी में है एंड अदर्स। और ट्रांसलोकेशन जो है क्या हेल्प करेगा, मानस नेशनल पार्क को कि वो अपना स्टेटस जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का फिर से ले ले, ठीक है। 2011 मुझे मिला था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सक्सेस ऑफ राइनो विजन रेडी रेडी। तो इंडियन राइनो नंबर्स जो हैं अभी इंक्रीज हुए हैं, 3550 हो गया है, 38% इंक्रीज इन 99 ईयर्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड। इंडिया का डेटा जो है 2012 में मोर देन 91% जो आसाम राइनोज थे, अबाउट 80% ऑफ इंडियन राइनोज जो हमारे कंसंट्रेटेड काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा राइनो पॉपुलेशन मिलती है, 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलती है और कुछ फ्यू जो है पोबितोरा में मिलते हैं। तो इंडियन राइनो विजन 2020 जो है रिपॉपुलेट करेगा अदर एरियाज में जो हमारे जो राइनोज हैं उनको अदर एरियाज में भेजेगा, ठीक है। तो मानस विच डिड नॉट हैव इवन सिंगल राइनो, ठीक है, मानस में जो था कि एक भी राइनो नहीं थे, अब वहाँ पे 20 राइनोज हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जो डेथ हो रही है हमारी राइनो पॉपुलेशन की उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। और ये हेल्प करेगा कि IUCN स्टेटस जो है इंडियन राइनो का जो है फ्रॉम एंडेंजर टू वल्नरेबल किया जाए, इन वल्नरेबल किया गया, ठीक है। तो 2008 में उसको वल्नरेबल किया गया। नाउ लेट्स कम टू ग्रेट वानर राइनो, ठीक है। तो 3 राइनोज स्पीशीज हैं जो एशिया में फाउंड होती हैं, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो और इंडियन राइनो, ठीक है। तो इंडियन राइनो जो है वो लार्जेस्ट है सबसे ज़्यादा ऑल राइनोज स्पीशीज में, और एशियन राइनो जो है एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं उनको, ठीक है, एक्सीलेंट स्विमर्स बोलते हैं एंड वो ईजिली स्विम कर सकते हैं अक्रॉस रिवर्स, ठीक है। इट इज़ कॉमनली कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, और इंडिया में वो कहाँ मिलते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। इनका IUCN स्टेटस ऑब्वियसली वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। सुमात्रा राइनो जो है वो आशियान राइनो है, उनको भी टू हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है, टू हॉर्न राइनो है, ठीक है। सुमात्रा राइनो जो क्या है वो टू हॉर्न राइनो, IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। जावन राइनो जो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये क्या है, वन राइनो है, एशियन राइनो है, ठीक है। वाइट राइनो जो है वो अफ्रीकन राइनो है, टू हॉर्न्स राइनो है, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, और ब्लैक राइनो जो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, टू हॉर्न राइनो और अफ्रीकन राइनो है, ठीक है। तो दीज आर, तो इंडिया में एशियन राइनो जो है हमारे 3 राइनो है, सुमात्रन, रावा, जावा एंड वन हॉर्न राइनो। उसमें से सिर्फ जावन राइनो जो है वो उसमें से जो सुमात्रन राइनो जो है वो टू हॉर्न राइनो है, बाकी सब वन हॉर्न राइनो है, और ठीक है, और सुमात्रन और जावन राइनो जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट हमारा जो राइनो पॉपुलेशन है वो वल्नरेबल है, ग्रेट हॉर्न राइनो जो है हमारा वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये कुछ राइनो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा इस मैप को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू अदर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर राइनो। तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की ऑन वर्ल्ड राइनो डे में, कि आप जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो हैं उनको कंजर्व करने के लिए। इसका एम क्या था कि जो फाइव ऑब्जेक्टिव हैं इनके, स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन बढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को बढ़ाना, रिसर्च और मॉनिटर करना, और एडिक्वेट और सस्टेन फंडिंग प्रोवाइड करना कि आप उसको कंजर्व कर सकें। ये जो है एक्टिव एंगेजमेंट परफॉर्म बोलता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, क्योंकि नेपाल में भी मिलते हैं। एज पर स्ट्रेटजी तो सिंगल पॉपुलेशन ऑफ राइनो जो है शुक्ला फंटा नेपाल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडिया में है, और चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है, और दुधवा इंडिया में है। इज सेपरेटेड बाय पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन द टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में पॉलिटिकल बाउंड्रीज के कारण इनको सेपरेट किया गया, ठीक है। सॉरी,
नाउ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019, तो आप याद रखिएगा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, एशियन राइनोस से भी रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया ने कोलैबोरेट किया भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया से कि आप जो है पॉपुलेशन जो है राइनो पॉपुलेशन की एशियन राइनो की उनको इंक्रीज करना 3 सब स्पीशीज़ का, इन उसमें से एक जो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो को भी इसमें इंक्लूड किया गया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में पाई जाती है। इसमें क्या करना है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं राइनोज से रिलेटेड, जो भी पोटेंशियल डिसीज़ हो रही है उनको स्टडी करना, ठीक है। ये कोलैबोरेट करेगा वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक लैब्स जो होते हैं उनमें, और स्ट्रेंथन करेगा ट्रांसबाउंड्री कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। दिस इज कॉल्ड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये हो गया वन हॉर्न राइनो, ठीक है, राइनो पॉपुलेशन। नाउ कम टू इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है फेल हुआ है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, आपको पता होगा एमपी जो है सबसे ज़्यादा टाइगर जो है कहाँ पाए जाते हैं, एमपी जो है हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन स्टेट है और एमपी को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, कान्हा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो रिसेंटली क्या होता था, टिग्रेस जो है जो फीमेल पॉपुलेशन है उसको शिफ्ट किया गया था उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से, बट वो क्या हुआ वो फिर से अपने मध्य प्रदेश में ही आ गई, दोबारा रिटर्न हो गई, तो जो है ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो मोर ऑन न्यूज़ अंडर द प्रोजेक्ट जो है हम 2 बिग कैट्स को ट्रांसफ़र करने वाले थे। पहले का नाम था महावीर जो कि मेल टाइगर था, जो कि कहाँ से हम ट्रांसफ़र करते थे करने वाले थे, कान्हा टाइगर रिजर्व से ट्रांसफ़र करने वाले थे उड़ीसा तक, ठीक है। और दूसरी जो थी हमारी फीमेल टाइगर रिजर्व फीमेल थी जिसका नाम था सुंदरी, वो कहाँ से हम ट्रांसफ़र करने वाले थे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ से हम सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ट्रांसफ़र करने वाले थे, ठीक है। तो रीलोकेशन जो है 2 पर्पज़ के लिए किया जाता था, कि हम टाइगर पॉपुलेशन को उन एरियाज़ में रिड्यूस करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी ज़्यादा हो रहा है, और री इंट्रोड्यूस करें न्यू जगह का पॉपुलेशन की, वहाँ जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ पे टाइगर जो है एफिशिएंट क्वालिटी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइगर पॉपुलेशन हो जाए। इश्यूज़ क्या था प्रोजेक्ट के साथ, तो जो भी हमारे टाइगर्स आ रहे थे विलेजेस जो हैं जो भी उस एरियाज़ में रह रहे थे वहाँ के जो भी उड़ीसा के विलेजेस थे वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे टाइगर नहीं आएंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स थे, ठीक है, ट्रांसलोकेशन के लिए बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड विलेजेस, लो प्रेवेस था, ठीक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, पोचिंग के कारण मेल टाइगर की डेथ हो गई, और ट्रांसलोकेशन जो है वो बहुत जल्दी में किया गया, ठीक है, और इसके लिए टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रिपेयर नहीं था, तो इसके लिए ये सब रीजंस है जो कि प्रोजेक्ट फेल हुआ, ठीक है। अदर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है क्या चल रहे हैं, टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है उत्तराखंड में किया गया था, कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कहाँ टाइगर रिजर्व से कहाँ पे ले जाने के लिए, राजा जी टाइगर रिजर्व में। तो प्रोजेक्ट जो है ट्रांसलोकेशन का वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजा जी से अप्रूव किसने किया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, फॉरेस्ट स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो राजा जी टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, शिवालिक रेंज में है उत्तराखंड में, जो कि सेकेंड टाइगर रिजर्व है ऑफ उत्तराखंड आफ्टर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उत्तराखंड में। ये क्या है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, याद रखिएगा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1936 में इस्टेब्लिश किया गया था, किसके लिए, बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट वो फर्स्ट ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व जो है ये पहला टाइगर रिजर्व है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर लाया गया था, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन रिलेटेड टू टाइगर। आप याद रखिएगा टाइगर का जो IUCN स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है, ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा एंडेंजर्ड स्टेटस है, ठीक है। नाउ कम टू एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। तो वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उसको अभी एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है रिसेंटली, जो कि कौन प्रेजेंट करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है ये क्या है, एक इंटेलिजेंस स्टेटरी बॉडी है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई थी, जो कि किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या है, डेजिग्नेटेड नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर साइट्स। साइट्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इलीगल ट्रेड जो होता है वाइल्ड लाइफ को उसको
प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये क्या इंटेलिजेंस है, एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए वर्क करती है। ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनको कंजर्व करती है, ठीक है। तो ये हो गए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इनको ही ये अवार्ड मिला है, एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड, तो ये याद कर लीजिएगा। WCCB को ये किस लिए मिला है, ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2 जो था इन्होंने क्रिएट किया था उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। ये क्या है कि जो भी इसका ऑपरेशन का मतलब है, जो भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है उन सबको इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ला देना कि वो जो है वो अटेंशन ला देना, जो कि बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन उनका अटेंशन लाना कि हमारा जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है उसको वो बंद हो सके, ठीक है। तो ये जो है अवार्ड जो है वो 2018 में भी इनको मिला था पर अभी भी इनको मिला है। तो एशियाज एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जो होता है, ये अवार्ड जो है पब्लिकली रिकग्नाइज करता है जो भी ट्रांसबाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, तो उनको दिया जाता है। ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट को भी दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है या फिर किसी टीम को भी दिया जाता है। और ये अवार्ड कौन देता है, UNEP देती है इन कोलैबोरेशन विद UNDP, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, साइट्स देती है एंड इंटरपोल देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरपोल भी क्राइम से, एनवायरमेंटल क्राइम से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। नाउ कम टू मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये क्या है, अभी बहुत सारे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल उन्होंने ये टेक्निक को प्रमोट किया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये टेक्निक क्या है। ये क्या है, एक अफॉरेस्टेशन मैथड है, जैसे कि हम पेड़ तोड़ देते हैं बट पेड़ लगाने का एक मैथड है जो कि जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने 1980 में इसको प्रमोट किया था, उन्हीं के वर्क के कारण ये हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमको जो है बहुत सारे लेयर्स बनाना फॉरेस्ट के, जैसे कि श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, कैनोपीज हो गए, बहुत छोटे से लैंड में पहले ये करना, फिर उसको धीरे धीरे एक बड़ा फॉरेस्ट बनाना, ठीक है। तो टाइनी फॉरेस्ट बनाना, कन्वर्ट देम इनटू टाइनी फॉरेस्ट, तो मतलब उतने एरिया में बहुत अच्छा सा फॉरेस्ट क्रिएट हो जाए। इसमें जो है इनके फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 से 4 सैपलिंग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर आपको लगाना है, ठीक है। फिर वाइड वेराइटी ऑफ, जैसे कि आइडियली 30 और मोर जो है उनको प्लांट करना है, लेयर्स रिक्रिएट करनी है, फिर मल्चिंग करना है, वाटर रिटेंशन करना है, किससे करना है, राइस हस्क हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट यूज़ करके कि उनका ग्रोथ हो सके उन प्लांट्स का। और ये साइट्स जो है मॉनिटर और मेंटेन कितने साल के लिए किया जाएगा, 2 से 3 साल के लिए, जो जैसे कि 2 से 3 साल आप मेंटेन करिए उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए कि खुद ही ग्रो करने लगे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए मियावाकी टेक्निक किससे रिलेटेड है, तो ये एफॉरेस्टेशन मैथड है, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि सच फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल, ऑब्वियसली जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं फॉरेस्ट वो तो लैक हो गई क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी और इन सब, ये सब इनमें नहीं रहेगी, एबिलिटी टू ब्रिंग रेन ये सब ये नहीं कर पाएंगे, तो ये इनकी लिमिटेशन है। पर बेनिफिट क्या है, ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करेंगे इररिस्पेक्टिव कि कैसा सॉइल है, कैसा क्लाइमेट कंडीशन है, इररिस्पेक्टिव ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, हमारा जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्क्रीट हीट आइलैंड्स इन जो हमारे होते हैं वहाँ पे अगर हम इनको ग्रो करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे। मिनी फॉरेस्ट जो है हमारे 10 टाइम ज़्यादा ग्रो करते हैं और 30 टाइम ज़्यादा डेंसर होते हैं एज कंपेरिजन टू अदर फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्या करेंगे, एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करेंगे, लोकल बर्ड्स को अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन सिंक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, और ये डिज़ाइन किया गया है टू री जनरेट लैंड इन फार लेस टाइम देन द टाइम इट टेक्स टू फॉरेस्ट टू रिकवर, ठीक है। तो जितना हमारा फॉरेस्ट टाइम लेता है रिकवर होने में, तो ये जो है रिजनरेट कर देंगे लैंड को उतने उससे कम टाइम पीरियड में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। तो अभी ड्राफ्ट जो है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान का अभी कंट्रोवर्सी में है इन गोवा, तो ड्राफ्ट जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है, लोकल एनवायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि आप बीच एरियाज को जो रीजोन कर रहे हो उसमें लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें कोई महत्व तो नहीं है। ये कौन प्रिपेयर करता है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। तो आई होप आपको पता होगा कोस्टल जोन रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 जो कि 2018 में आया था, तो उसमें जो है कोस्टल जोन 3 को जो है उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी कर दिया, और कोस्टल जोन और जो कोस्टल जोन 1 और
4 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आ गए और 2 और 3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गए। ठीक है, तो अंडर कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन 2011 रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है और यूटी गवर्नमेंट जो है वो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे और क्लासीफाई करेंगे कोस्टल रोड रेगुलेशन जोन एरियाज। ठीक है, तो ये CRZ नोटिफिकेशन जो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दिया जाता है और जो कि डिक्लेयर करते हैं कोस्टल स्ट्रेचेस तो हमारी कंट्री के और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर है एक्सक्लूडिंग, आप याद रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है एज CRZ। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में वो CRZ नहीं लाते हैं। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा, सिर्फ कोस्टल स्ट्रेचेस जो है हमारी कंट्री के और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स उन्हीं में बस कोस्टल रेगुलेशन जोन आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A जो है वो क्या है, हमारा इको सेंसिटिव जोन है। तो आप यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो ये हमारा 1 जो है हमारा इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, 1B जो है इंटरटाइडल जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इंटरटाइडल जोन का मतलब होता है कि दो हाई टाइड लेवल और लो टाइड लेवल का जो जोन होता है उन दोनों का बिटवीन का जो जोन होता है उसको बोलते हैं हम इंटरटाइडल जोन। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 जो है एरिया जो अप टू द शोर तक डेवलप्ड है। ठीक है, तो 2 जो है जो अप टू द शोर तक डेवलप्ड है। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A जो है वहाँ जहाँ वो है उस एरियाज को बोलते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 2161 स्क्वायर किलोमीटर एज पर सेंसस 2011 हो, और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B जो है वहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन इतनी हो तो उनको बोलते हैं। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 4A आता है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम लो टाइड लाइन टूवर्ड्स द सी। ठीक है, सी से 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो टूवर्ड्स द सी जो है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन सा है 4A। ठीक है, 4B क्या होता है, टाइडल इन्फ्लुएंस बाय वाटर बॉडीज और नॉन डेवलपमेंट जोन किसे बोलते हैं, 50 मीटर्स जो है हाई टाइड लाइन इन कोस्टल रेगुलेशन जोन 1A और 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन इन कोस्टल रेगुलेशन 3B एरियाज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसका एम क्या है कि सिक्योर करना लाइवलीहुड फ्रॉम फिशिंग कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज हैं जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उन पॉपुलेशन के लिए, रिस्ट्रिक्ट करना और सेटिंग जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी जो भी मैन्युफैक्चर हजार्डियस डिस्पोजल वेस्ट है उनको रिस्ट्रिक्ट करना उन इंडस्ट्रीज को। इन 2018 कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया। ठीक है, प्रमोट किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ बाई रिस्पेक्टिंग कंजर्वेशन, कंजर्वेशन को भी रिस्पेक्ट दी गई और उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट किया गया। ठीक है, नाउ कम टू फ्लोरा एंड फौना इन न्यूज़। तो सबसे पहले वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, ठीक है, उनकी डिटेल्स क्या है देख लेते हैं। रिसेंट स्टडी की है जर्मनी साइंटिस्ट ने, वहाँ पे बोला कि जर्मनी हैड फाउंड दैट वीनस फ्लाई ट्रैप जो है एक प्लांट है, ये कैपेबल है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये कैसे जनरेट कर रहा है, ये प्लांट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करते हैं जो कि उनके ट्रैप में ट्रैप के क्लोज उनके जो ट्रैप्स होते हैं उनको ट्रिगर करते हैं टू कैच द इंसेक्ट, इंसेक्ट को कैच करते हैं जो कि बायोमैग्नेटिज्म फिनोमिना जो कि ऑब्जर्व हुआ है। तो वाइल लीफ स्टॉक और पीटीओल जो होते हैं, ठीक है, लीफ का एक पीटीओल होता है, इज़ नॉट एक्साइटेबल और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द ट्रैप, बट मैग्नेटिक सिग्नल्स जो होते हैं प्लांट में वो बहुत वीक होते हैं और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर लंटाना कैमरा जो होता है, लंटाना कैमरा जो होता है ये ट्रॉपिकल अमेरिकन हब है जिसको इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ठीक है, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशीज़ है। अभी आपने जब केरला में ये हुआ था कि इनको लगाया गया था तो ये बहुत सारे प्लांट्स को इफेक्ट किए थे, तो ये जो है बहुत न्यूज़ में था उस बार भी, और आई थिंक एक बार क्वेश्चन भी पूछा है। ये क्या करते हैं, जो नेटिव प्लांट्स होते हैं उनके साथ कॉम्पीट करते हैं फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज और ऑल्टर करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का, सॉइल का। ठीक है, ये टॉलरेट कर सकते हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, बट अगर कोई किसी ने ईट कर लिया है इनको तो ये एलर्जीज इंक्रीज कर देते हैं एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि डायरिया, लीवर फेलर और ये सब भी करते हैं, एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। फिर मैंडरिन डक, ये क्या है, एक माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि कहाँ एरिया में ब्रीड कर रही है, रशिया, कोरिया, जापान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना। तो ये थ्रेटन नहीं है बर्ड, जो ये बर्ड है वो ग्लोबली थ्रेटन नहीं है, बट ओनली मेक रेयर अपीयरेंसेस। ये अभी देखी गई है कहाँ, मगुरी मोटापंग वेटलैंड जो कि कहाँ पे है, आसाम में। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, मगुरी मोटापंग वेटलैंड कहाँ पे है, आसाम में है, और जो कि कहाँ पे डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क जो है वो उसी के आजू बाजू है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है एज डिक्लेयर बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। फिर आते हैं
कोलागंथ ये क्या है, फॉसिल्स है जो कि डिस्कवर किया है, ये जाइंट फिश है, ये जो डायनासोर के पहले रहती थी ऐसा फाउंड किया गया कि डायनासोर जब रहते थे उनके पहले भी ये आई थी, 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं और ये बिलीव किया जाता है कि ये अभी एक्सटेंट हो गए हैं, बट अ लिविंग ये फाउंड की गई है ऑफ साउथ अफ्रीका कोस्ट, ठीक है। फिर हिमालयन शेरो, ये इन द फर्स्ट हिमालयन शेरो जो है स्पॉट हुए हैं आसाम में एट मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है, और अर्लियर जो है हिमाचल प्रदेश में स्पॉट किए गए थे। ये बहुत सारे टाइप के शेरोज मिलते हैं, ऑल ऑफ देम जो है एशिया में फाउंड होते हैं, बट जनरली हिमालयन शेरो जो है वो हार्वी वोरस है और वो एल्टीट्यूड 2000 मीटर टू 4000 मीटर्स में फाउंड होता है और ये प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN के आता है। और मानस टाइगर रिजर्व जो है वो मानस रिवर के अराउंड है, मानस रिवर के नाम पे इसका नाम पड़ा और ये कंटैगुअस है विथ रॉयल मानस नेशनल टाइगर पार्क है जो है भूटान में, उसके कंटैगुअस है, ठीक है। फिर थ्री ब्रांडेड रोज फिंच, तो साइंटिस्ट ने फ्रॉम बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उन्होंने रिकॉर्ड किया कि तीन ब्रांडेड रोज फिश जो हैं अभी पाई गई हैं इन ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है। ये साइट किया गया कि कॉनिफरस फॉरेस्ट में रहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1883 में इस्टेब्लिश की गई थी और ये कंजर्वेशन और नेचुरल सोर्सेज के लिए हेल्प करती है। फिर न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो टू न्यू रेड एल्गल सीवीड स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर्ड हुई है इंडियन कोस्ट लाइन में। पहला है हाइपनिया इंडिका जो कि डिस्कवर कहाँ हुई है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और सोमनाथ पठान एंड शिवराजपुर इन गुजरात वहाँ पे हुई है। और हाइपनिया बुलाटा जो कि कहाँ पे डिस्कवर की गई है, कन्याकुमारी एंड डीओ आइलैंड ऑफ दमन एंड दीव, और इंटर टाइडल रीजन में ग्रो करती है ये। अ न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज कॉल्ड नागादू बसिनहल स्वामी, ये कुछ नेम है, आई एम सॉरी इसको मैं प्रोनंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, तो ये डिस्कवर कहाँ गई है, अगस्तमला इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो दिस इज बटरफ्लाई इज इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नाउ कम टू प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़, तो सबसे पहले गोवा में आ जाते हैं, तो गोवा में पहली जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो गया कौन से स्टेट में आती है, गोवा में आती है। ये जो है अभी ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में क्यों है कि सीरियस कंसर्न रेज किए गए हैं कि जो सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने रेड फ्लैग दिया है गोवा के रेल प्रोजेक्ट को, जो कि किसको कट कर रही है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और मोलम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, गोवा में, उनको भी कट कर रही है। तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फिटल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जो कि गोवा के फोर प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक है। और ये यहाँ का फेमस जो वाटरफॉल है वो दूधसागर वाटरफॉल है एंड द डेविल्स कैनियन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूधसागर वाटरफॉल पूछा जा सकता है कौन से पार्क से गुजरता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है, ठीक है। फिर फॉरेस्ट कैसा है यहाँ का, वेस्टर्न कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली वेस्ट कोस्ट है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डिसीजेस, थोड़ा सा अंदर पार्ट में आएंगे तो मॉइस्ट डिसीजेस भी है। फौना क्या है, फौना क्या है, डियर, सांबर, स्पॉटेड डियर, ठीक है, दीज आर द फौना। एंड फ्लोरा क्या है, प्राइमरी स्पीशीज जो होती है ट्रीज़ की, वो टर्मिनलिया ये सब फाउंड होती है, ठीक है, जाइलिया, ठीक है। तो दीज आर द ट्रीज़। लेट्स कम टू गुजरात, तो गुजरात में शेतुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो है ये क्या है, हैबिटेट है एशियाटिक लाइन का, लेपर्ड्स का और हर्बीवोरस एज सच एज ब्लू वुल्स इन भावनगर गुजरात। तो ये क्या है, एक फॉरेस्ट है जहाँ पे हिल और ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट है, जहाँ पे शेतुंजी रिवर जो है वो फ्लो होती है, और शेतुंजय महातीर्थ और पलिताना टेम्पल्स जो हैं इसी हिल पे बनाए गए हैं, जो कि मोस्ट सेक्रेट पिलग्रमेज हैं जैन कम्युनिटी के, ठीक है। तो शेतुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे, गुजरात में है। फिर केरला में आते हैं वेम्बनाड लेक, ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का, तो आपको पता होना चाहिए। मन की बात अभी केरला में स्लोली वेम्बनाड लेक को क्लीन करने के लिए बोला गया, तो ये क्या है, लार्जेस्ट लेक है केरला का और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। यहीं पर स्नेक बोट रेस होती है, ठीक है, हर साल, और ये जो है पार्ट है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन का, और कुमारकोम वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अभी हमने पढ़ा ये सेकंड टाइगर रिजर्व है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो है फॉरेस्ट फायर के कारण कंसर्न रेज किए गए हैं, ठीक है। आप पहले किस में किए गए थे, उड़ीसा सिम्पलीपाल रिजर्व में। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो विंध्या हिल्स मध्य प्रदेश में आता है, और ये किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए नो किया जाना जाता है, ठीक है।
ये हो गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर आते हैं मेघालय में नोंगखाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये क्या है, इंडिया का पहला बैम्बू ड्वेलिंग बैट जो है विथ स्टिकी डिक्स रिकॉर्ड किया गया है यहीं से। तो ये सेंचुरी जो है रायबोई डिस्ट्रिक्ट मेघालय में है, वहाँ पे है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्टेड साइट्स है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। ये ईस्टर्न हिमालय ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आती है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आती है। और यहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है, उमरन, उमिंग, उमपुरथियू, उमत्रू, ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स हैं। नाउ कम टू उड़ीसा, उड़ीसा में आता है करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे है, उड़ीसा में। आप याद रखिए करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, उड़ीसा में है। यहाँ पे 6 एलिफेंट जो हैं अभी ख़त्म हो गए हैं ड्यू टू हेमोग्राफिक सेप्टिकैमिया, ठीक है, इसके कारण। ये क्या है, एक कंटैगोस बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करती है, जो कि किससे कांटेक्ट में आते हैं, वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तब कंटामिनेटेड जो वाटर और सॉइल होते हैं उनके उसमें आते हैं कांटेक्ट में, तभी ये डिसीज़ होती है। और ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। और फौना क्या है, लेपर्ड, गौर, सांबर, नील गाय, ये सब यहाँ पे रहते हैं। और फुरली झरन वाटरफॉल जो है ये यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है, तो आपको पता होगा दूधसागर वाटरफॉल था वो कहाँ पे लोकेटेड था, आपको पता होना चाहिए, भगवान महावीर जो कि गोवा में है, ठीक है। फिर आते हैं सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये यहीं पर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट जो है अभी फेल हुआ है। सतकोशिया जो है स्प्रेड है अलॉन्ग द मैग्निफिशेंट जॉर्ज ओवर द रिवर महानदी, याद रखिएगा कौन सी रिवर, महानदी के रिवर के खिलाफ, महानदी रिवर वहाँ से फ्लो होती है। ये जो है टू एडजॉइनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कंप्राइज करता है, सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी और बेसीपल्ली सेंचुरी, याद रखिएगा बेसीपल्ली सेंचुरी और सतकोशिया जॉर्ज सेंचुरी मिलके सतकोशिया टाइगर रिजर्व बनाते हैं। और सतकोशिया जो है ये मीटिंग पॉइंट है दो जोग्राफिकल बायोजोग्राफिकल रीजन का, इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट। आप याद रखिएगा दो बायो, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा ही रिलेटेड कुछ, तो मे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतकोशिया जो है वो मीटिंग पॉइंट है कौन से बायोजोग्राफिकल रीजन का, तो डेक्कन पेनिनसुला और ईस्टर्न घाट्स का, ठीक है। नाउ कम टू सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न घाट। ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये एंटायर सिम्पलीपाल सेंचुरी को कंप्राइज करता है। और एडजॉइनिंग जो नाटो एंड सतकोशिया टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है उनको भी एज अ बफर की तरह अपने अंदर कंप्राइज करता है। इसका जो नेम है फ्रॉम सिमुल सिल्क कॉटन ट्री से पड़ा, ये जो है इंक्लूडेड है यूनेस्को इन क्रिटिकल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है लार्जेस्ट जोन है साल फॉरेस्ट का इन ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऑल ऑफ इंडिया में लार्जेस्ट जोन कहाँ पे, साल का सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में। फिर फौना जो है बैक पैंथर्स, फोर हॉर्न एंटीलोप, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, ये सब मिलते हैं। फ्लोरा जो है ये ऑर्चिड्स, टू एंडेमिक ऑर्चिड्स जो हैं वो फाउंड होते हैं यहाँ पे। ट्राइब्स जो हैं वहाँ के खरिया, बहुमीजा, ठीक है, बथूड़ी, कोल्हा, गोड, ठीक है, तो दीज आर द ट्राइब्स जो कि यहाँ मिलते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू तमिलनाडु, तो श्रीविल्ली पुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये यहाँ पे तमिलनाडु में है। ये क्या है, रिसेंटली अप्रूव ने इसको अप्रूव कर दिया है सेंटर ने कि ये टाइगर रिजर्व है। ये जो है इंडिया का 51 टाइगर रिजर्व, याद रखिए 51st टाइगर रिजर्व जो है इंडिया का, ये कौन सा है, श्रीविल्ली पुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो आप याद रखिए कि 51 टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि कंप्राइज किसको एनकंपास किसको करता है, मेगामलाई, श्रीविल्ली पुथुर रिजर्व, स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अदर टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में वो है कलकड़ा मुंडनथुरई, अंडामलई, मुडुमलई एंड सत्यमंगलम। मेगामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्प्रेड है डिस्ट्रिक्ट थेनी और मदुरई में। वाइल्ड जो श्रीवी पुथुर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला पेरियर टाइगर रिजर्व के अलॉन्ग लाई करती है, ठीक है। फौना कौन से हैं, मेगामलाई हॉस्ट उनगुलेट्स, ठीक है, स्पॉटेड डियर्स, इंडियन गॉर्स, और ये सब जो हैं ये फौना है, ठीक है। नाउ कम टू उत्तराखंड, उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये न्यूज़ में क्यों है कि अभी जो है नंदा देवी ग्लेशियर जो है ब्रोक हुआ है, जिसके कारण जो है हमारा जो उत्तराखंड में जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है और एवलेंक हुआ है अलकनंदा रिवर सिस्टम में। तो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर जो है वो नंदा देवी सेंचुरी में लाई करते हैं और प्रोटेक्टेड कहाँ है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर जो है ये क्लस्टर ऑफ ग्लेशियर्स हैं जो नेमली बेतर टोली बोलते हैं, कुरुन टोली, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ, नंदकाना
ठीक है, दक्षिण ऋषि बैंक त्रिशूल, ये जो है अपर ऋषि गंगा कैचमेंट सेंट्रल हिमालय में फॉल होते हैं। ठीक है, ग्लेशियर्स ज्वेल जो है नंदा देवी पीक के, इट इज़ द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन है आफ्टर द कंचनजंगा। याद रखिएगा सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन कौन सा है, नंदा देवी पीक है। ये मेल्ट जब मेल्टेड वाटर जो है नंदा देवी ग्लेशियर से सेवरल पार्ट्स ऑफ स्ट्रीम्स में आता है और वाटर जो है पहले ऋषि गंगा में फ्लो होता है फिर लेटर किसको धौली गंगा को ज्वाइन करता है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कोर एरियाज में आता है, ये कोर एरियाज इंक्लूड करता है नंदा देवी का और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क का। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोनों को इंक्लूड करता है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो है टुगेदर ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द माउंटेन रेंजेस सास्कर रेंज और ग्रेट हिमालयस का। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंक्लूड करता है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, सिविल फॉरेस्ट, पंचायत फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, ग्रास स्लोप्स, ठीक है, अल्पाइन मेडोज एंड स्नो कवर्ड एरियाज। फौना जो है सेवरल इंपॉर्टेंट मैमल स्पीशीज हैं जो फाउंड होती है, स्नो लेपर्ड हो गए, हिमालयन ब्लैक बियर हो गए, ब्राउन बियर हो गए, मस्ट डियर हो गए, ये सब। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज जो हैं टू एथनिक ग्रुप्स हैं इंडो मंगोलोड एंड इंडो आर्यन। फिर आते हैं देवल सरी रीजन, ये क्या है, ये एक तहरी गहलवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड के। ठीक है, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उत्तराखंड की जो कि डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो देवल सरी रीजन जो है ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है उत्तराखंड की जो डिक्लेयर की गई है उत्तराखंड में। ये जो रीजन है रिच है बायोडाइवर्सिटी में और लॉट ऑफ पोटेंशियल इको टूरिज्म के लिए। ये लास्ट ईयर अ रेयर डे फ्लाइंग मॉथ वॉज स्पॉटेड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसलिए अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो ये क्या है, एरियाज है यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम जिनका होता है उनके लिए ये बोला जाता है। अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 स्टेट गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज जो है एरिया को डिक्लेयर करती है एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आप याद रखिएगा कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। और अपने इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, 18 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, याद रखिएगा 18 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। ये कुछ प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ जो भी हमने पहले पढ़ा वही सब ये मैप में दिया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए। तो जैसे कि उत्तराखंड में अगर हमने चार चीज़ें पढ़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, देवलसरी रीजन जो कि फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उत्तराखंड का है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, उड़ीसा में आते हैं करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सतकोशिया और सिम्पीपाल। असम में आएंगे तो मानस एंड पोबितरा। मेघालय में आएंगे तो नोंग खाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क। गोवा में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूधसागर फॉल यहीं पर है। केरला में वेम्बनाड लेक स्नेक बोट यहीं पर होती है। तमिलनाडु में सिरपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि 51st टाइगर रिजर्व है डिक्लेयर किया गया है। गुजरात में शत्रुंजय हिल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। तो दीज आर द सम जो हमने अभी पढ़ा वही है कुछ। ठीक है, नाउ कम टू अदर कंजर्वेशन मेजर्स। तो इंडिया जो है इंडियाज फर्स्ट सेंटर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट खुला है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एस्टेब्लिश किया है इंडिया का पहला सेंटर ऑन फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑन ओकेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये क्या है, पार्ट किसका है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूशन जो है किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। इसका रोल क्या है, ये क्या है, हमारे जो रिसोर्स नीड हैं नॉलेज गैप है उनको एड्रेस करेगा, मैनेजमेंट करेगा वेटलैंड्स का, एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट और नॉलेज हब बनाएगा स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट के अंदर कि वो जो है रिसर्चर को प्रमोट करे। ठीक है, ये हो गया। फिर चिपको मूवमेंट आपको पता होगा, उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि बर्थ प्लेस है उत्तराखंड, कौन सा, चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे बर्थ प्लेस है। चिपको मूवमेंट जो था वो नॉन वायलेंट एजिटेशन था 1973 में, किस लिए किया गया था, कि जो भी ट्रीज को हटाए जा रहे थे, काटे जा रहे थे, उन ट्रीज़ को बचाने के लिए किया गया था। चिपको मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था 1973 में। ठीक है, इसका चिपको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो विलेजर्स थे वो ट्रीज़ को जाके गले लगा रहे थे और उनको एनसर्कल कर रहे थे कि आप जो है ट्रीज़ को नहीं काटेंगे। ठीक है, मूवमेंट जो है वो कलेक्टिव मोबिलाइजेशन था वुमेन का, बहुत सारी वुमेन ने इसको पार्ट लिया था इसमें, और ये जो स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन का स्टेटस था सोसाइटी में, इसी के कारण चेंज हुआ। और चैम्पियंस जो थी मूवमेंट की लोकल वुमेन कौन कौन सी थी, गौरा देवी थी, सुदेशा देवी एंड बचनी देवी। चिपको मूवमेंट जो था वो गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड था, पीसफुल रेजिस्टेंस फॉलो कर रहे थे, नॉन वायलेंस फॉलो कर रहे थे। हाउएवर द ओरिजिनल चिपको आंदोलन जो है डेट्स बैक टू 18th सेंचुरी। ये किसने स्टार्ट किया था, बिश्नोई कम्युनिटी थी राजस्थान की, उन्होंने स्टार्ट किया था। ग्रुप ऑफ विलेजर्स जो थे अमृता देवी, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेड डाउन देयर लाइफ
ठीक है, ट्रीज के जो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को वो कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट द किंग इन रॉयल डिग्री बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज, तो वहाँ पे किंग जो थे उसके बाद इस मूवमेंट के बाद उन्होंने ट्रीज का कट करना को बैन कर दिया गया था, ठीक है। फिर 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हैदराबाद को अभी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। इंडिया की पहली सिटी है, इंडिया की ओनली सिटी है जो कि सच रिकग्निशन दिया गया है, ठीक है। ये किसने दिया है रिकग्निशन, फाओ ने दिया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन। ये रिकग्निशन जो सिटी को इसलिए दिया जाता है जब वो अर्बन फॉरेस्ट्री को मेंटेन कर लेती है, उसके लिए दिया जाता है। तो दिस इज द एंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी लेक्चर, मैं कल आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन।